आज मैं आपको एक ऐसी घिनौनी घटना का दर्दनाक हादसा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और शायद इंसानियत पर से भरोसा भी उठ जाएगा। कुछ ऐसी मनोस्थिति के लोग जिनको शिक्षा या फिर मानवता का ज्ञान नहीं होता है और उन्हें इंसानियत की परिभाषा भी नहीं आती, ऐसे लोग ही ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं और कुछ समय की खुशी के लिए किसी भी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर उसकी हत्या कर देते हैं। मेरी नजर में ऐसे लोग राक्षस और परिजनों की सबसे उच्च कोटि में आते हैं। प्रियंका रेड्डी हैदराबाद की निवासी थी जिनका जन्म 1992 में हैदराबाद में हुआ था। प्रियंका रेड्डी जो पेशे से एक पशु चिकित्सक थी और उनके पिता का नाम श्रीधर रेड्डी, वह एक सरकारी कर्मचारी थे और प्रियंका रेड्डी का माता का नाम विजया रेड्डी है और उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम भव्या रेड्डी है। प्रियंका रेड्डी हैदराबाद के शादनगर कोलापुर गांव के पशु चिकित्सालय में एक पशु चिकित्सक के तौर पर काम करती थी। प्रियंका रेड्डी रेप और हत्याकांड जैसे कारनामे इस देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दरिंदे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दरिंदे वो हर काम कर देते हैं जिसके बारे में ये भोली भाली जनता कभी सोच भी नहीं सकती। 26 साल की प्रियंका रेड्डी वेटनरी डॉक्टर थी जो कि अपने घर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित वेटनरी हॉस्पिटल में काम करती थी। वह हर दिन हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे स्थित टोटपुल्ली टोल प्लाजा पर अपना टू व्हीलर पार्क करती थी और वहां से कैब लेकर अस्पताल तक जाती थी। उस दिन जब बुधवार रात वो अपने टू व्हीलर से जा रही थी तब ही उनका टायर पंचर हो गया जिसकी वजह से वह टोल प्लाजा पर रुकी और आगे जाने का साधन खोज रही थी। रात 9:22 पर डॉक्टर ने अपनी बहन भव्य रेड्डी को फोन पर बताया कि उसके टू व्हीलर का एक टायर पंचर है। वहां गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे मदद की पेशकश की है। कुछ देर बाद प्रियंका ने अपनी बहन को दोबारा फोन कर बताया कि मदद की पेशकश करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आसपास की सभी दुकानें बंद है और पंचर ठीक करवाने के लिए गाड़ी को कहीं और ले जाना होगा। बहन भव्या रेड्डी का कहना था कि जब प्रियंका रेड्डी ने फोन किया तब वह कुछ डरी हुई लग रही थी। परिवार के लोगों ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि जब डॉक्टर ने अपनी बहन को फोन किया तब वह डरी हुई थी। बहन ने उसे कहा कि वह टू व्हीलर वहीं छोड़े और कैब बुक कर घर लौटे, लेकिन प्रियंका रेड्डी ने कहा कि हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के किनारे इंतजार करने में उसे अजीब महसूस हो रहा है। डॉक्टर ने बाद में अपनी बहन से यह भी कहा कि आसपास अजनबी लोग हैं और वह उसे घूर रहे हैं और उसे डर लग रहा है। पास में ही एक लॉरी खड़ी थी जहां कुछ लोग मौजूद थे। डॉक्टर ने अपनी बहन से कहा कि वह उससे फोन पर बात करती रहे। बाद में रात 9:44 पर डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ हो गया और कुछ समय का इंतजार किया और पूरा परिवार टोल प्लाजा पर जा पहुंचा। आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की लेकिन प्रियंका का पता नहीं चला। फिर परिवार ने पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
28 नवंबर 2019 की सुबह हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर स्थित जिस टोल प्लाजा पर प्रियंका रेड्डी को आखिरी बार देखा गया था, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर एक किसान ने गुरुवार सुबह उसका जला हुआ आधा शरीर देखा। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर के परिवार के लोगों को घटनास्थल पर बुलाया। अधजले स्कार्फ और गोल्ड पेंडेंट से डॉक्टर की शव की पहचान हुई। पुलिस को आसपास से शराब की बोतलें भी मिली। जब किसी किसान के पुलिस को बताए जाने पर पुलिस ने जांच के लिए कई विशेष टीम बुलाई और जांच में उन्हें पता चला कि प्रियंका की हत्या टोल प्लाजा के करीब एक सुनसान जगह पर की गई है और उसके शव को बाइक सहित बाहरी इलाके में सड़क पर फेंका गया था। पुलिस ने टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें केवल 9 बजे तक की ही रिकॉर्डिंग पाई गई और उसमें किसी भी प्रकार का अपहरण सामने नहीं आया। विशेष टीम को झाड़ियों में से प्रियंका की चप्पल और आईडी कार्ड प्राप्त हुए और एक गांव के पास झाड़ियों में से प्रियंका की स्कूटी मिली जिसका नंबर प्लेट निकाल कर फेंकी जा चुकी थी। सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में थे। शमशाबाद के डीजीबी प्रकाश रेड्डी के मुताबिक वेटनरी डॉक्टर को केरोसिन डालकर जलाया गया। जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई थी। हैदराबाद के कमिश्नर वीसी सज्जानर ने बताया कि 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। प्रियंका रेड्डी हत्याकांड के इस दर्दनाक मौत के बाद भारत में बहुत बड़ी भीड़ जाग उठी जिसने उन सभी अपराधियों को फांसी देने की गुजारिश की, लेकिन उन सभी अपराधियों की सजा सुनाने में कुछ समय बाकी था। प्रियंका रेड्डी के हत्यारों को क्या सजा मिली? प्रियंका रेड्डी के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाने से पहले ही जब पुलिस द्वारा उन दरिंदों से पूछताछ शुरू हुई तब पुलिस को वो हादसा समझाने के लिए उसी घटनास्थल पर ले जाया गया और उनसे प्रियंका रेड्डी की मौत किस तरह की गई ये पूछा जाने लगा, जिसमें उन्होंने बताने के बजाय भागने की कोशिश की। दरिंदों ने वहां से भागने के साथ साथ पुलिस पर हमला कर दिया और उनकी बंदूकें लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उनको रोकना चाहा और इनको एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस का कहना था कि यदि वो उन्हें नहीं मारते तो वो पुलिस वालों को ही मार देते। लाखों लोगों की उम्मीद थी कि प्रियंका रेड्डी के मुजरिमों को फांसी दी जाए, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन सभी 4 दोषियों को उसी जगह मारा गया जहां प्रियंका रेड्डी को जलाया गया था। जाने अनजाने उन 4 दोषियों को उनकी सजा मिल ही गई। अगर देश में ऐसे ही रेप और हत्या होती रही तो यकीन मानिए हमारा देश अपराधियों का सबसे बड़ा देश कहलाया जाएगा।